नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस साइकिल से कर रहे हैं चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और अभी जा रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए अपनी साइकिल से। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि केदारनाथ जी के जो रास्ते है ना, वो कुछ इस प्रकार है। पूरा लैंडस्लाइड वाला रास्ता है, इतना सकरा। और इधर के तरफ देखो, हजारों फुट गहरी खाई है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, पूरा कच्चा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, कभी भी गिरते रहते हैं। बार बार में देखो, रोड है ना, वो क्लीन करते रहते हैं। और इधर की तरफ ये पूरा ना, ये जो नदी जा रही है, ये है अलकनंदा, तो इसके अंदर कभी भी गिर सकता है, क्योंकि लैंडस्लाइड वाला इलाका है पूरा। बस आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुक गया था, बाकी आगे सफर पर चलते हैं। और यहीं से कुछ दूरी पर, मतलब 2-3 किलोमीटर आगे है धारी देवी टेम्पल। आप सभी को अभी लेकर चलता हूँ मैं धारी देवी टेम्पल, जो कि चारों धामों के रक्षक मानी जाती है। तो चलिए आप सभी को धारी देवी टेम्पल के मैं दर्शन कराता हूँ। और कुछ इस प्रकार है यहाँ के पहाड़, आप सभी देख सकते हो। तो भाई, बिल्कुल भी आसान नहीं है साइकिल से यात्रा करना, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो चलो चलते हैं इस सफर पे आगे की तरफ, बने रहना ब्लॉग में, हर हर महादेव। तो अभी जो है, हम धारी देवी मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, वहां पर पहुंच गए हैं। चलिए हमारे साथ और आप सभी को दर्शन कराने के लिए लेकर चलते हैं हम। भाई, ऊपर से माँ धारी देवी का मंदिर, और अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। नवरात्रों के समय पे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, और अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है। तो अभी बस आपको लेकर चलते हैं नीचे और दर्शन कराते हैं माँ के, क्योंकि बिना माँ धारी देवी के दर्शन, आपकी जो चार धाम की यात्रा है वो बिल्कुल अधूरी मानी जाएगी। तो चार धाम यात्रा के लिए आ रहे हो तो माँ धारी देवी के दर्शन अवश्य करें। चलिए आपको लेकर चलते हैं, और अभी नीचे की तरफ, ढलान की तरफ हम उतर रहे हैं। और ये कुछ परिसर है रास्ता, ऊपर टिन सेट्स होते हैं जिन पे नवरात्रों के टाइम पे ना ये पूरा सजा दिया जाता है। भाई ये देखो, टिन सेट्स वगैरह हटी हुई है अभी, क्योंकि अभी श्रद्धालुओं के लिए ना बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था करा रही है सरकार, व्यवस्थाएं चल रही है। कुछ जगह पर टिन सेट्स वगैरह लग गए, जैसे कि ये देखो, जय माता दी। और भाई यहाँ से ना, मैं आपको एक बार मंदिर का दर्शन दिखा देता हूँ, यहाँ से मंदिर के दर्शन हो जाते हैं माँ धारी देवी के, आप सभी देख सकते हो। और अभी परिसर में ना बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, नवरात्रों के समय पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बहुत ज़्यादा भक्तगण आते हैं। और अभी बस चार धाम की यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो अभी आपको कुछ दिनों के बाद 10 मई से चार धाम की यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो उसके बाद तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बाकी अभी तो कुछ भीड़ ही नहीं है, पूरा का पूरा परिसर देखो खाली मिल रहा है आपको। जय धारी माँ। तो दोस्तों, मेन प्रवेश द्वार आ गया है, जो कि ब्रिज से होके हम जा रहे हैं। अभी आप सभी को माँ धारी देवी के अभी सभी को दर्शन कराएंगे, और पूरा मंदिर परिसर आपको जैसा कि खाली दिखाई दे रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। तो अच्छे से आप सभी को हम अभी दर्शन कराने वाले हैं। और ये माँ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर है, जब आप रुद्रप्रयाग की तरफ जाते हो तो बीच में पड़ता है। तो यार, चारों धामों की रक्षक माँ धारी देवी के दर्शन आप सभी को अवश्य करने इस बार, जब आप केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी या चार धाम की यात्रा के लिए आ रहे हो तो अवश्य दर्शन करें। और ये देखो, जय माता दी। अभी हम फाइनली पहुंच गए हैं माँ धारी देवी टेम्पल, और आप सभी को लेकर चलते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं माँ धारी देवी के मेन प्रवेश द्वार पर, और आगे अंदर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो आप सभी को हम अभी दर्शन करके आते हैं। फिर यहाँ की जो जानकारी है, यहाँ का जो रहस्य है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार, वो यहीं के लोकल लोगों के द्वारा, यहीं के पंडित के द्वारा
आप सभी को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और आप सभी माँ धारी देवी को प्रणाम कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, जय धारी माँ देवी की लिखिए। और यहाँ की बनावट शैली और जो बनावट है वो आप सभी देख सकते हो। और इस मंदिर की एक खास बात है कि यहाँ पर प्रत्येक जो श्रद्धालु आता है वो माता रानी की चुनरी और घंटी बाज के बांध के जाता है। तो ऐसा मान्यता है कि घंटी और चुनरी से जो यहाँ पे बांध के जाता है, जो मान्यता है, जो मांगता है माता जी से, वो उसे अवश्य मिलता है अगर सच्चे मन से। आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ और माता रानी की चुनरी बंधी हुई है। तो ऐसी मान्यता है कि बाकी अभी दर्शन करके आते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। जय धारी देवी। अभी हमने धारी देवी माता जी के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ की जो क्या है पौराणिक कथा वो यहीं के महाराज जी पंडित जी है, उन्हीं के थ्रू आप सभी को पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं उनसे। महाराज जी प्रणाम आपको। जय माता की। तो महाराज जी, जो इतिहास रहा है धारी देवी जी का, वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताओगे आप? आप जो सामने गाँव देख रहे हैं, ये सामने गाँव जो दिख रहा है जी, ये ग्राम धारी है और धारी गांव जो है द्वापर कालीन है। पांडव लोग यहीं से स्वर्गारोहण के लिए गए थे। कुछ दिन कहते हैं उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, माँ की आराधना की थी। यहाँ द्रौपदी शिला होती थी जो कि अब जलमग्न हो गई है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना गया है कि ये जो काली का अवतार जो है यहीं कालशिला काली मठ में होता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। और काली मठ में रक्त बीज आदि का दानवों का वध करते हुए माँ स्थिर क्षेत्र में जब पहुंचती है तो भोलेनाथ उनको शांत करते हैं, काली से वो कल्याणी हो जाती हैं। इनका जो हमारे पास नाम है अभिलेखों में वो कल्याणी है, कल्याणी कलियासौड़ इनके नाम से है काली जी का स्थान। धारी देवी इनका उपनाम पड़ा है इस गांव के कारण। और ये जो माँ का आप मंदिर देख रहे हैं, अभी पानी में, पहले पानी में नहीं हुआ करता था, ये बहुत नीचे कम से कम रोड से 1.5-2 किलोमीटर नीचे अलकनंदा के बाम भाग में चट्टान के ऊपर विराजमान था। माँ की चट्टान ऐसी थी कि जिसमें कि शेर की आकृति दिखाई देती थी जिसमें विराजमान थी। और उस चट्टान के ऊपर एक कनेर का वृक्ष हुआ करता जो कि अनादिकाल से हमने, हमारे दादा ने, परदादा ने उसको ऐसे ही देखा। 12 महीने माँ के ऊपर पुष्प बरसते रहते थे। उस चट्टान के ऊपर जो है कैसे उसको पेड़ को वनस्पति मिलती थी या वो मिट्टी उसमें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी पेड़ में जो है हरा भरा हमेशा रहता था। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये पुराना ये दृश्य माँ का। इस चट्टान में माँ विराजमान थी, बिल्कुल शेर की आकृति आपको देखा है, ध्यान से देखेंगे, ये गर्दन है, ये पाँव है, ये पूंछ है। जो मैं कनेर की बात कर रहा हूँ, पेड़ की बात कर रहा हूँ, ये है और यहाँ माँ विराजमान है। तो यहाँ पर यूपीए सरकार के द्वारा डैम का निर्माण किया गया, कांग्रेस सरकार थी यहाँ भी और सेंटर में 10 साल रही है। 200 मेगावाट का जल परियोजना थी जो कि 330 यूपीए सरकार के द्वारा बनाई गई। हमने बहुत विरोध किया, नहीं मानी सरकार। 2012 में पूरा गेट बंद कर दिया, डैम तैयार हो गया क्योंकि अब देवी नीचे थी। स्ट्रक्चर पूरा इन्होंने कंपनी ने यहाँ पर तैयार कर दिया था, कॉलम में लेंटर डाल करके यहाँ पर जगह तैयार कर दी थी, जल भराव कर दिया। और 2012 में केवल नीचे का ब्रिज बहा और पुराना जो पुल था वो बहा और माँ के चट्टान के 1.5 मीटर नीचे नदी आई। अब 13 में जो है, जब 2013 आई तो पूरा गेट उन्होंने बंद कर दिया, बहुत विरोध हो रहा था न उठने का। उमा भारती जी ने, सुषमा स्वराज ने, हम लोगों ने बहुत गुहार लगाई, स्वयं पीएमओ में गए मिलने के लिए और समय मांगा, लेकिन नहीं माने वो लोग। उन्होंने बोला कि नहीं, हम डैम बनाएंगे, तुम्हारे लिए अच्छा मंदिर बना देंगे। और आपको पता होना चाहिए 2013 में एक साजिश के तरह जल भराव किया गया, मूर्ति को जो है ऊपर हमसे क्रेन के द्वारा मूर्ति को यहाँ पर लाए कि अगर पानी मूर्ति को ऊपर नहीं उठाते तो आगे डैम टूट जाएगा, आगे जनहानि होगी, इसलिए आगे जनहानि ना हो। ये सब जानते हम लोग शाम को 16 जून 2013 को शाम को 6:45 बजे करीब माँ को यहाँ विराजमान किया,
क्रेन के द्वारा ऊपर लाए क्योंकि चारों तरफ पानी भर गया था। और उसके डेढ़ दो घंटे बाद आपको सबको पता है कि क्या हुआ था, हैं। अब 2000 जब वो जगह जब भ्रष्ट हो गई, जब आपदा आई, भयंकर आपदा आई, डेढ़ घंटे बाद भयंकर वहाँ से सैलाब टूटा तो नीचे की जगह सब भ्रष्ट हो गई थी। फिर 14 में माँ ने उस सरकार को सबक सिखा दिया, फिर सनातनी सरकार आई, फिर उसी जगह पर इस मंदिर का निर्माण किया गया जो कि आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पर ज़मीन को फिलिंग किया गया और चट्टान में साउल में माँ ठीक इसके ऊपर विराजमान इस समय है, जो कि 28 जनवरी 2023 को पिछले साल यहाँ पर माँ विराजमान हुई हैं। हमारी सनातन सरकार आई हैं, उन्होंने इसका भव्य मंदिर का निर्माण कराया है कंपनी में प्रेशर डाल करके। और अब आप माँ पूरे जो है बहुत ही ज़्यादा लोग अब यहाँ आ रहे हैं। अब ये जो है एक प्रकार से धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है। और यहाँ की मान्यता ये है माँ भगवती की कि जो आए श्रद्धा लेके वो लेके जाए वरदान। जो श्रद्धापूर्वक आएगा और माँ की पूजन अर्चन करेगा, मन्नत का संकल्प करता है, फिर संकल्प में जो है वो मन में याचना करता कि मैं जो कुछ भी चढ़ाऊँ, घंटी चढ़ाऊँ, छत्र चढ़ाऊँ, यज्ञ कराऊँ, अनुष्ठान कराऊँ। उससे पहले बकरे करते थे जिसकी मनोकामना पूरी होती थी, लोग बकरा काटते थे, 200-250 बकरे एक दिन में कट जाते थे। लेकिन 1986 में उनको बंद कर दिया था। हम लोगों ने भक्तों से अपील की कि भाई यहाँ आओ और मन्नत मांगो, इसकी जगह यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, जो कि अब इसी प्रकार से माँ की सात्विक पूजा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और बस ये जानना चाहेंगे हम कि जब 2013 में जब त्रासदी आई थी तो वो मंजर तो सोचने से भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस समय ऐसा बोला जाता है कि मतलब बिना माता के परमिशन के उनको हटा दिया था, हटा के दूसरी जगह स्थापित किया जिस वजह से बाढ़ आई, तो उसकी प्रॉपर जानकारी आप प्लीज वीडियो देखो। ऐसा है कि देवी क्या है, शक्ति है, जूम कर, हाँ। देवी क्या है, शक्ति है जी, पृथ्वी शक्ति है। हम लोग जब पूजा करते हैं पहले बोलते हैं पृथ्वी तो या धृता लोका। अब जो अनादि काल से जो चीज अगर यहाँ पर विराजमान है उसके साथ छेड़छाड़, शक्ति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, हैं। और जिसने छेड़छाड़ की है उसको भी जो है आपको पता है 14 से वो चाँद कहाँ चले गए और फिर वो शक्ति के पीछे पड़े हों। हिंदू धर्म कोई ऐसी शक्ति होती है इसको निकाल के बाहर फेंकना है। अब 2013 में उन्होंने ये माँ की शक्ति यहाँ देखी है, अब दोबारा ये शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। अब पता नहीं भगवान जाने आगे इनका क्या हाल होता है, ये माँ पे ही भरोसा है। जय माता। तो दोस्तों आपको यहाँ का जो रहस्य था वो पंडित जी के द्वारा हमने आपको बताने की कोशिश की है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। और जो यहाँ का जो दृश्य था माँ धारी देवी जी के आपको दर्शन मैंने कर ही लिए। अंदर परमिशन नहीं है, फ़ोन और कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर के दर्शन नहीं करा सकते। तो अभी हम बीच पे आ गए हैं नीचे मंदिर से नीचे। और भाई जो प्यारा प्यारा व्यू है ना, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल देखो पूरा का पूरा मंदिर है ना माँ धारी देवी का पानी के अंदर है, आप सभी देख रहे होंगे। और अभी सनसेट होने वाला है तो यहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखो प्लेन में लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, इतना सुंदर है कि आप देख सकते हो। और जो अभी जो माँ अलकनंदा है वो भी मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ जो माँ धारी देवी के नीचे से प्रवाहित हो रही है। चलिए माँ धारी देवी और उसके नीचे से जो अलकनंदा है वो बिल्कुल प्रवाहित हो रही है। तो आज दोस्तों पूरा का पूरा मंदिर है ना वो पानी के अंदर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ के जो पंडित जी थे उनके द्वारा आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मंदिर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने पर जो 2013 में जो त्रासदी आई थी वो उसके कारण आई थी। बाकी पूरी जानकारी तो मैंने आपको दे ही दी। और अभी इस बीच को एंजॉय करते हैं यार इस व्यू को, क्योंकि ये हर बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो यहाँ की जो मिट्टी है वो वातावरण भाई बहुत ही सुंदर, ये देखो दृश्य कितना खूबसूरत लग रहा भाई। इतना बड़ा प्लेन एरिया ना, यहाँ पे सब लोग देखो, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। जय माँ धारी देवी की।